सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। आज हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं द वन एंड ओनली डीमन स्लेयर का एड ऑन। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, जो कि एनिमे फैंस हैं उनको तो पता ही होगा कि डीमन स्लेयर कितना खतरनाक एनिमे है। तो आज हम उसी का आपको मॉड देने वाले हैं। तो फटाफट से चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, फटाफट से चलो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग ने अपने हाथ में जितनी भी नीचरीन ब्लेड्स हैं उठा ली हैं। और ये देखो गाइस, ये देखो बेटे, देखो गाइस, लिटरली गाइस ये मतलब मेरी फेवरेट, अभी तक की मेरी फेवरेट निचलिन ब्लेड है। और ब्रीथिंग वो केवल नहीं है भाई, ये मेरी फेवरेट ब्रीथिंग है भाई, लिटरली ब्रो। देखो भाई कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कितना बढ़िया सा लग रहा है इसका एनिमेशन, है ना भाई। अब ये है वो कोक्शिबो फेस टू का वो क्या बोलते हैं निचरीन ब्लेड। तो ये ब्लेड, ये वाली ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है गाइस, कूल दिख रही है एकदम ही, है ना। इसकी फॉर्म भी थोड़ी बहुत सेम है। अब ये है ग्यू की निचरीन ब्लेड, है ना। और जैसे कि आपको ग्यू का फॉर्म तो पता ही होगा, वो एक वाटर हशीरा है, तो उसकी वाटर वो है, वाटर ब्रीथिंग, है ना। बाय द वे गाइस, इसमें कोई भी ब्रीथिंग नहीं है, बस इसमें हमें स्वॉर्ड के अंदर ब्रीथिंग मिल जाती है ना, तो उसी को हम यूज़ करते हैं, है ना। और गाइस बट वो भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है गाइस, ये देखिए गाइस, ये था वाटर व्हील और ये फ्लोइंग डांस और ये स्ट्राइकिंग टाइड। तो अब चलते हैं हमारी ओरिजिनल वाली निचरीन मून पर, है ना। और असल में शायद से ये वाली जो ब्लेड है, आई थिंक सो ये वाली ब्लेड वो यूज़ करते हैं मिचिकात्सु। सो ये वाला भी ब्रीथिंग बहुत अच्छा है। और जैसे कि अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक निचरीन ब्लेड, जिसके अंदर गाइस वो वाली एबिलिटी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होती है सारी की सारी वाटर ब्रीथिंग एबिलिटीज, और उसके बाद गाइस हम लोगों को देखने को मिलती है सारी की सारी सन ब्रीथिंग एबिलिटीज, मतलब दोनों की दोनों मिक्स होती हैं गाइस इस वाली ब्लेड के अंदर। सो इसके अंदर जो है वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग दोनों मिक्स होती है। और इस तरह की दो स्वॉर्ड है, ये दूसरी स्वॉर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर तो सही में मिक्स होती है भाई। और ये फेक रेनबो भी गाइस ये सन ब्रीथिंग की एबिलिटी है, जो कि टेलीपोर्टेशन के लिए काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है। और ये वाटर वेसन गाइस बहुत सारी एबिलिटीज़ है ना, आप खुद ही चेक कर सकते हो जब मैं इसको डाउनलोड करना सिखाऊंगा, है ना। तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छी ब्लेड थी। अब मेरी फेवरेट ब्लेड आती है निचरीन सन ब्लेड, लिटरली गाइस ये मेरी फेवरेट निचरीन ब्लेड है गाइस, क्योंकि इसके ये यूरीची की फॉर्म वाली ब्लेड है। और ये देखो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, इस क्लियर ब्लू स्काई रेजिंग सन गाइस, क्या ही भाई खतरनाक ब्रो। आपको भी इसकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगी तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। इसमें तो मेरी फेवरेट निचरीन ब्लेड्स केवल दो ही रही हैं, मून निचरीन ब्लेड और ये फायर वाली निचरीन ब्लेड, मतलब सन वाली निचरीन ब्लेड डीमन स्लेयर। देखते हुए भी ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मैं, है ना। खैर अब चलते हैं अपने सारे के सारे वो मॉप्स वगैरह पे जो भी एड ऑन के अंदर हैं। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है मिचिकात्सु, और फिर आपको देखने को मिल जाता है नेज़ुको कमाडो, और फिर आपको देखने को मिल जाता है तांजीरो कमाडो सीजन 3 डिफॉल्ट तांजीरो, नेज़ुको कमाडो डीमन, तांजीरो कमाडो सेलेस्टियल किमिनो, यूरीची ओल्ड, यूरीची जवान और ग्यू। और फिर आपको सारे के सारे विनल देखने के मिल जाते हैं, जैसे कि कोक्शिबो फेज 1, 2, 3, है ना। और यहाँ पर आपको नॉर्मल कोक्शिबो भी देखने को मिल जाता है, और एट लास्ट आपको डीमंस का किंग तांजीरो किंग डीमन मिल जाता है DKT, है ना। और फिर यही थे, केवल इसके अंदर चार ही विलन होते हैं, बट ये डीमंस भी बहुत ही ज़्यादा डरावने और ख़तरनाक होते हैं, और इस वाले डीमन ने ब्रश नहीं कर रखा, आई डोंट नो व्हाई। और ये है कोक्शिबो फेज 2 और ये फेज 1, है ना, आई थिंक सो ये फेज 2 है, वो फेज 1 था, है ना। और ये अपना नॉर्मल वही DKT। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने सब कुछ इस मॉड के अंदर डिस्कवर कर लिया है, बट इस मॉड के अंदर एक चीज़ करनी बाकी है, गेस करो, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज गाइस, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स
इट्स फाइट टाइम। तो चलो हम लोग वन वी वन कराने वाले हैं यूरीची और कोक्शिबो का। ओके सो गाइज, ये रहा कोक्शिबो और ये रहा यूरीची। चलो अब फाइट चालू हो गई। ओके ओके